27 जनवरी 1991 की रात को कुछ ऐसी खबर थी कि पंजाब से कुछ टेररिस्ट जयपुर के आसपास, क्योंकि ये विराटनगर जयपुर के पास में है, उसके आसपास कुछ टेररिस्ट घुस आए जो कि बहुत ही सीरियस वारदात कर सकते हैं। पुलिस बड़ी तैनात थी, सीआरपीएफ और सभी तरह के प्रिवेंटिव मेजर, और उनको पकड़ने के आसार अगर वो घुसे हैं तो पूरी व्यवस्था की हुई थी। जगह जगह पर पुलिस चौकियां और गारद और जो उनके नाके रहते हैं, नाका मीन्स एक रोकने की, पुलिस वाले एक जगह पर्टिकुलर पर रोकते हैं और हर जाने वाले की और आने वाले की और हर व्हीकल की तलाशी लेते हैं कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति या सामान तो नहीं जो किसी तरह की नुकसान के लिए उपयोग किया जा सके। सीकर के पास एक जगह के रायपुर पाटन के कुछ व्यापारी जो कुएं खोदने का काम करते थे और जो कुएं खोदने के बाद कुछ सालों बाद पानी नीचा चला गया है तो उनको गहरा करने का भी काम करते थे। यह काम वो लोग आरडीएक्स और दूसरे तरह के अवेलेबल बारूद से किया करते थे, जिसका उन लोगों को लाइसेंस प्राप्त होता है और एक नियत मात्रा में आरडीएक्स की और दूसरे एक्सप्लोरर्स की उनको सप्लाई की जाती है। लेकिन काम अधिक होने के कारण, खास करके राजस्थान जहाँ पे कुएं बहुत जल्दी सूखते हैं, तो उन लोगों पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा लेकिन उनके बारूद कम होता है, क्योंकि बारूद से एक्सप्लोर करके ही नीचे की गहराई बढ़ाते हैं, एक्सप्लोजन की प्रोडक्ट को, मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से कुएं की गहराई को बढ़ाते जाते हैं। यह बड़ी जल्दी और आसान तरीका होता है कन्वेंशनल तरीके के बजाय, जिसमें नीचे जाके खुदाई करो, फिर मिट्टी ऊपर निकालो, फिर उसको चारों तरफ से सीमेंटेड करो या ईंट लगाओ और ऐसे उसकी गहराई बढ़ाते जाओ। तो ये लोग हमेशा आरडीएक्स और दूसरे एक्सप्लोजिव की तलाश पे रहते थे, कहीं से उनको ये आरडीएक्स और एक्सप्लोजिव्स मिले, कभी कभी वो बुलेट्स भी ले लेते हैं क्योंकि उससे वो इग्निशन में उनको मदद होती है, उसको इग्निशन के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ बुलेट्स और कुछ आरडीएक्स वगैरह उनको कहीं से मिला। इसका दो नंबर में चोर बाजारी पे, जैसे कहते हैं, काफ़ी उस समय इसकी धंधा था। तो ये लोग एक जीप पे बैठ के चार लोग और रायपुर पाटन से जहाँ भी जाना था, निश्चित रूप से वो जगह नेशनल हाईवे जयपुर टू गुड़गांव जो है या दिल्ली है,
उस पर रही होगी या उसके इधर साइड पर रही होगी जहां से वो खरीद के वापिस आ रहे थे। विराटनगर मोड़ पे जहां से हाईवे से उन्होंने मुड़ना था वहां पे चार नाके लगे हुए थे। थोड़ी थोड़ी दूर पे चार नाके लगे थे। नाका मीन्स जहां पे पुलिस वाले वो ऑब्स्टकल ऑब्स्ट्रक्ट करने की जाली सी बनी जो होती है वो लगा देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं, और पास में कुछ पुलिस वाले पुलिस के अधिकारी खड़े रहते हैं तो वो जो ऑब्स्टकल लगे होते हैं वो गाड़ी को रुकने पे मजबूर कर देते हैं और फिर रोक करके उसकी तलाशी लेते हैं। इसे नाका कहा जाता है। तो ये हाईवे पे चार नाके उन्होंने लगा रखे थे चार जगह चेकिंग के लिए कि व्हीकल को वो पकड़ के हर व्हीकल को चेक करते जाए कहीं उसमें एमिनेशन तो नहीं है, क्योंकि ये खबर थी कि कुछ टेररिस्ट उस इलाके में घुसे हैं और वो कोई बड़ी वारदात करेंगे। अब जब चार नाके और तोड़ दिए उन्होंने, पहला नाका टूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो पुलिस के वहाँ पे जवाब थे सीआरपीएफ के भी और लोकल पुलिस के भी, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया और उनको लगा कि इस गाड़ी में जरूर टेस्ट है, अदरवाइज वो चार नाके क्यों तोड़ेंगे। उन्होंने संभव बताया चार नाके इसलिए थोड़े थे कि उनके पास जो आरडीएक्स और दूसरे एक्सप्लोजिव और बुलेट्स की मात्रा थी उसका उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। ये कहीं के पास किसी के पास में इल्लीगल वे में मिल रही होगी और उनको सूचना मिली होगी तो ये जीप लेकर के वहाँ पहुँच गए और जीप में सारा सामान ये लाद करके और चारों व्यक्ति उस जीप में से बैठ के और स्टेशन लाइन पे चल पड़े और जब उन्होंने पुलिस को देखा तो वो घबरा गए। घबराहट ने ड्राइवर ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नाका अपनी जान बचाने के लिए और उसने सोचा कि विराटनगर रोड से, क्योंकि वो लोकल आदमी थे उनको पता था रास्ते का, तो विराटनगर रोड पे वो घुस गए और वहाँ से वो विराटनगर की तरफ चल दिए। पीछे पीछे पुलिस की जीप भी उनको ट्रेस करती रही लेकिन वो उनकी रेंज से दूर रहे, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा करते हुए वो विराटनगर पहुंच गए और विराटनगर जाकर के जैसे वो विराटनगर क्रॉस करने लगे, क्योंकि विराटनगर को क्रॉस करने के बाद वो सीकर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाते थे, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाती थी, सीकर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होते थे, और सीकर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था सिर्फ विराटनगर तक ही थी, रादर विराटनगर तक भी नहीं थी, ये सिर्फ हाईवे तक थी। लेकिन विराटनगर के बाद सीकर की सीमा शुरू हो जाती थी तो फिर नेचुरली ये लोग उस सीमा की तरफ नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने जल्दी में दो फायर 303 की जो राइफल रहती है उस पर गाड़ी पे कर दी है। गाड़ी में दोनों फायर लगे और वहीं उस वक्त गाड़ी चढ़ाई पे थी एक नाले पर गांव के एंड पर, वहीं पे उस नाले में गाड़ी जा पड़ी और उसमें से जब पुलिस वाले पहुंचे तो देखा कि तीन आदमी मर गए हैं, तीन आदमी की डेथ हो गई है।
एक व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जिंदा है जिसके हाथ पे चोट लगी है। अब ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया लोकल लोगों के लिए खास, कि आरडीएक्स लाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उस एरिया में, क्योंकि कुएं काफ़ी खोदने पड़ते थे वहाँ पर। राजस्थान में वैसे पानी की कमी होती है और कुआ मिलता भी है तो काफ़ी कुछ समय बाद सूख जाता है, तो फिर उसको डीप करना पड़ता है। ये खबर सारे विराटनगर और आसपास के एरिए में सीकर तक, जयपुर तक पहुंच गई। और जब मृतका की पत्नी थी, उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाला, उन्होंने कंप्लेंट की, पिटीशन नहीं डाला, उन्होंने कंप्लेंट की कि मेरे पति को पुलिस वालों ने जानबूझकर मार दिया है। और ये गाड़ी पलटने का एक नाटक किया गया है। उन्होंने गंभीर आरोप पुलिस पे लगाए और सरकार से रिक्वेस्ट की कि इस केस को सीबीआई में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस तरह से केस ये सीबीआई के पास में आ गया है। इसको देखने वाले, उनके नाम देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग बहुत जेंटलमैन और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। एक उसमें शरद कुमार थे जो उस वक्त एसपी थे, और एरन झा जो कालांतर में जाकर के मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए, पटना गए थे और उनके रिटायरमेंट के बाद कई केस उन्होंने हमारे साथ किए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे उनकी कोई खबर नहीं रही, नहीं कोई मुलाकात हुई। तो झा साहब शरद कुमार जी का लेटर लेके मेरे पास में आए और उन्होंने सारी समस्या को मुझे समझाया, सारे पेपर्स वगैरह दिखाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिखाई। अब पोस्टमार्टम करते वक्त तीन डॉक्टरों का बोर्ड बना, तीन लोगों का पोस्टमार्टम, तीन लोगों की डेथ हुई, उनका बोर्ड बना। उन्होंने कॉज ऑफ डेथ एक केस में तो बुलेट इंजरीज का दिया, लेकिन बाद बाकी दो व्यक्तियों में, तीन डॉक्टरों की जो टीम थी जिसके हेड एक डॉक्टर बीएल गुप्ता सीनियर मेडिकल ऑफिसर उस समय जो थे वो थे, और वो रिपोर्टें उन्हीं के हाथ से लिखी गई थी। सो एक व्यक्ति के तो बुलेट इंजरी कहने में कोई संशय नहीं था, लेकिन बाकी दो लोगों के, उन्होंने बायोनेटिंग जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि राइफल के ऊपर आगे एक चाकू की तरह की चीज़ लगी रहती है। आपने देखा होगा अक्सर जब सेरिमोनियल परेड पे कोई भी आर्म्ड पुलिस आती है तो तब ये बैरोट राइफल के ऊपरी भाग में सबसे टॉप पे ये लगे होते हैं। इस बैरोट का मतलब ये होता है कि जब ये युद्ध में या लड़ाई क्षेत्र में पुलिस या आर्मी जाती है तो उस समय ये बैरेट लगा होता था, और किसी भी व्यक्ति को जब घायल कर दिया, गोली लग गई या और कोई चीज़ लग गई और वो घायल होकर जमीन पे गिर गया,
और अब आपने निश्चित करना है कि वो व्यक्ति मर जाए, तो उसकी बायनेटिंग की जाती थी। उस बायनेट्री को उसके पेट में जाना भी रहती है, वहाँ घुसा करके उसको घुमा दिया जाता है, जिससे एओर्टा और इंटेस्टाइन कट जाती है और आदमी की इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है। सभी डॉक्टर सेंसेसी में जाते हैं, इसलिए उनको इस बायनेटिक का पता होता है। हमारे उस टाइम में अब भी एनसीसी काफ़ी मेडिकल कॉलेज में रहती है। तो उन्होंने परिकल्पना करके जो वूड थे उनको बायोनेटिक वूड का करार दे दिया है अपनी समझ के अनुसार। पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि जब ये लोग नहीं रुके, हमारा इतना पीछा करने के बाद भी, मेन रोड से काफ़ी दूर है विराट नगर, तो हम लोग पास कोई चारा नहीं था इनको रोकने के लिए। और फिर ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जा रहे थे कि हम दो फायर करें, तो हमने दो फायर किए, उससे गाड़ी उलट गई और इस ड्राई नाले में जाके गिरी। अब क्योंकि उसकी पत्नी ने लिखा था और गवर्नमेंट ने उसको सीबीआई को केस रेफर कर दिया है, और झा साहब मेरे पास में सारे कागजों के साथ मौजूद थे, मैंने उनको कहा कि मैं किसी भी तरह प्रोसीड करूं, मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहले एक, उन डॉक्टर्स की मीटिंग मेरे साथ, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा जब एक व्यक्ति के उन्होंने लिखा है फायर ऑफ वूंड की तरह है और बाकी दो की बायनेटिंग, लेकिन बायनेटिंग के बूंद जो है मेरी समझ में नहीं आ रहे। और मैं उस जगह भी जाना चाहूँगा जहाँ से उन्होंने उनको राइफल्स इशू हुई थी। और उसके साथ साथ मैं इसको डॉक्टरों को बुला करके, और आप एक बायनेट ले आइएगा विद राइफल, मैं उन्हीं से एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पे, लवर्स डेड बॉडी पे जो कि डिस्पोज ऑफ होने जा रही है, उस पर पे एक एक्सपेरिमेंट करके ये वूड देखना चाहेंगे कि संभव है कि नहीं है। जो वूड्स की साइज दी हुई थी वो काफ़ी बड़ी थी, हालांकि उन्होंने शार्प लिखा था, लेकिन 4-5 सेंटीमीटर की, जो रफली 2 इंच के आसपास हो जाती है, उतना बड़ा बायनेट से वूंड होगा कि नहीं होगा, तो वो एक सोचने की बात थी। कोई वो उन्होंने फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफी उस केस की नहीं करवाई हुई थी, इसलिए हम उन वूंड्स को कहीं भी किसी चीज़ से बैच करके नहीं कर सकते थे। हालांकि नियम था, पर उस गांव में कोई व्यवस्था न होने के कारण वो लोग उसकी कोई वीडियोग्राफी या कुछ नहीं कर पाए थे, या फोटोग्राफी नहीं कर पाए थे, वो व्यवस्था वहाँ पे रिमोट एरिया पे अवेलेबल नहीं थी। तदनुसार पुलिस वालों ने, सीबीआई ने उन तीनों डॉक्टरों की एक हमारे यहाँ मीटिंग करवाई, तो उसी मीटिंग में तय हुआ कि नेक्स्ट वीक वो फिर आएंगे और हमें कैडावर पे है, सीबीआई ने कहा कि अब ले आएंगे बैनोट विद राइफल, राइफल विद बैनोट, तो फिर हम उसकी जांच करके देख सकते हैं। एक अनक्लेम डेड बॉडीज जिसको तुरंत क्रिमेशन के लिए जाना था, जिसकी कोई ऑटोप्सी वगैरह नहीं हुई थी, तो उनके पास में उस ज़माने में हमारे पास ब्लैंकेट एक ऑर्डर हमारे पास था कि हम कोई उनको उपयोग करना चाहे या मेडिकल कॉलेज की एनाटॉमी डिपार्टमेंट में भेजना चाहे, उसको बॉम्बे एनाटॉमी एक्ट कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत उसको कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। 14 डेज तक उस ज़माने में वेट करना पड़ता था किसी भी मृत व्यक्ति को अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर करने के लिए।
अखबार में सब जगह वो निकालना पड़ता था, इसलिए बस काफ़ी अनक्लेम्ड डेड बॉडीज मॉर्चरीज में इकट्ठी हो जाती थी। उसी के इसी समस्याओं के कारण बाद में इस नियम को छोड़ा किया गया, यानी कि सिर्फ 3 दिन का समय रखा गया कि 3 दिन तक अगर कोई नहीं आता है अखबार में सब जगह टेलीविजन में देने के बाद तो उस बॉडी को आप डिक्लेयर कर सकते हैं अनक्लेम्ड अनआइडेंटिफाइड। हमने किया, उनको दिखाया, उन्होंने जब ऊंट की दिखाई थी नेक से लेकर के और ट्रेकिया से होती हुई, और जैसे जैसे उन्होंने और ओरल कैविटी में जैसे जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, हमने उनको ऊन प्रोड्यूस करने को कहा एक ही थ्रस्ट में, डबल थ्रस्ट नहीं, क्योंकि बायनोटिक हमेशा सिंगल थ्रस्ट में की जाती है। वो उन्होंने के लेकिन वूंड वैसा नहीं निकला है, बन पाया। तो एक बार ट्राई की, नहीं तो वूंड की साइज वैसे प्रोड्यूस हो सके जो उन्होंने लिखी थी, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा वूंड की साइज ही नहीं होती थी। चलो हमने मान लिया 0.5 या 1 सेंटीमीटर डेड बॉडी में नॉर्मल रिएक्शन जो रिट्रैक्शन का होता है कटने के बाद टिश्यूज का, वो नहीं हुआ तो उसका 0.5 मान लो, ज़्यादा ज़्यादा 1 सेंटीमीटर मान लो, तो वो सब जोड़ने के बाद भी वो कतई जो वूंड उन्होंने डिस्क्राइब किए थे उसके आसपास नहीं जा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है लेकिन हम अपने ओपिनियन को रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम जयपुर से, जयपुर मेडिकल कॉलेज से निर्देश लेके आएंगे। मैंने बोले तो सही, मैंने भी कहा भी आप तो यहाँ हैं तो वहाँ का ओपिनियन आप बोले नहीं, हम राजस्थान के हैं, हमारा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज SMS मेडिकल बीकानेर है, सॉरी जयपुर है, तो हम जयपुर मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेके आएंगे, अगर वो हमको कहेंगे कि आप कर दो तो हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हालांकि वो लोग मुझे भी जानते थे पर मैंने उनसे बात करना ठीक नहीं समझा। वो गए और दूसरे दिन उन्होंने मुझे आकर के बताया कि हम नहीं आपका सहयोग करेंगे इस कार्य में, जो करना है आप अकेले करिए। मैंने उनको कहा कि मैं मौका इंस्पेक्ट करना चाहूँगा क्योंकि जी पर हर चीज़ अवेलेबल है, तो उन सबको इंस्पेक्ट करना और CFSL की जो रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है उनको देख करके हम इसको एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करने के प्रयास करेंगे कि संभव भी है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से सहयोग देने से इनकार कर दिया, तो बात खत्म हो गई। डॉक्टर साहब आप हमारा कुछ भी कर लीजिए, हम आपके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। हमने अपना अपना ओपिनियन दे दिया। बड़ी असमंजस की परिस्थिति हो गई और हमने उनको जाने दिया। CBI वाले कह लगे नहीं हमको, आपको तो उनके डायरेक्टर जनरल से ऑर्डर करवा, मैंने नहीं ऐसा नहीं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑर्डर के बाद भी कॉपरेट नहीं करेंगे तो ज़्यादा समस्या बिगड़ जाएगी। उसके उपरांत मैं इस मौके पे गया, डॉक्टर भारद्वाज को साथ में ले गया। जब विराटनगर पहुंचा तो मैं हैरान हो गया, यह विराटनगर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा महाभारत में डिस्क्राइब्ड है, और लोकल लोगों का बहुत ही पक्का विश्वास था कि यही वो विराटनगर है जहाँ पे पांडव लोग अपना अंतिम वर्ष जो वनवास का था वो गुजारा था। और उस विराटनगर की संरचना भी ऐसी थी, हालांकि मैं ढूंढ रहा था कोई एरियल व्यू उसका मिल जाए लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। प्रिय, नेशनल हाईवे से पहाड़ों के बीच में से जाती हुई एक सड़क 30-35 किलोमीटर जाने के बाद, 40 मिनट होगा, 40-50 किलोमीटर जाने के बाद में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा प्लेन एरिया है, उसकी वैली है, उसके अंदर बसा हुआ सुंदर शहर है।
शहर के टाउन कह के टाउन है, जो हर दृष्टि से मुझे लगा कि शायद यही वो असली विराट नगर है जहाँ पे पांडवों ने आके अज्ञातवास किया होगा, और वहाँ के लोकल लोगों का ये विश्वास भी है, और वहाँ बहुत सारे उस काल की ऐसा लोगों का विश्वास है। मैं नहीं जानता आर्कियोलॉजी वालों ने कुछ वहाँ काम किया कि नहीं किया उसके बाद या पहले, पर बहुत से लोगों का वहाँ जो स्थल है उनका उपयोग पांडवों ने किया है, वहाँ पांडव रहे हैं, ऐसा उन सब का विश्वास है। उसके बाद मैं कभी कह भी नहीं, इसलिए कह नहीं सकता कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बाद में वहाँ पे कोई खोज की है नहीं की, पर मैं अपने मन में बहुत कन्विंस था कि यही जगह हो सकती है छुपने के लिए बेस्ट, जिसके चारों तरफ पहाड़ है और सिर्फ एक रास्ता आता है और एक रास्ता जाता है सीकर की तरफ। खैर वहाँ पे वही बुलाई गई जो गाड़ी थी, जीप थी, उसको उन्होंने पहले ही पहुँचा के रखा हुआ था उसी जगह पे जहाँ पे वो थी। फोटोग्राफ्स वगैरह अवेलेबल थे जो मैं आपको नहीं दिखा सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण, और हमने सारा वो रिक्रिएट करके और डिस्टेंस जहाँ से उसने फायर किया था और एक दोबारा फायर करके किसी एक टारगेट पे हमने देखा कि गोली वहाँ तक जा सकती है कि नहीं जा सकती है उसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति ने वही वेपन लेकर के और वही सब लेकर के हमें दिखा दिया कि यस उसका फायर वहाँ तक जा सकता है जहाँ वो खड़े थे और वहाँ से वो उस पर फायर कर सकता था। रात के अंधेरे में हम लोग ने वेरी इवनिंग होने का इंतजार किया और फिर ही वो एक्सपेरिमेंटेशन किया। इस तरह सारी रिपोर्ट बनाने के बाद में हम लोग वहाँ से वापस आए, रात भर हम वही स्टे और सेकेंड डे मॉर्निंग में, क्योंकि रात हो चुकी थी, तो विराट नगर के गेस्ट हाउस में जो कि बहुत अच्छा था, सुंदर था, वहीं हम स्टे किए और मॉर्निंग में वहाँ से निकल आए। और वो उन डॉक्टरों से एक डॉक्टर शायद आया था, वो जयपुर रुक गया, उसने हमें कोई सहयोग नहीं दिया उसी रिकंस्ट्रक्शन में। किस्मत से सारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट, सीरोलॉजिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्टें सब अवेलेबल थी, तो हमने ठीक समझा कि किसी एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट से डिस्कस किया जाए और उस चीज़ों को समझा जाए। उनसे बात की गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमने ये संभावनाएं व्यक्त की हैं कि एक गोली जो डायरेक्ट लगी है व्यक्ति को, दूसरी जो गोली लगी है वो डिफ्लेक्ट होके वो उनको लगी है, दूसरे आदमी को लगी है, डिफ्लेक्ट होकर के वो तीसरे व्यक्ति को जो पास में बैठे हुए थे, सभी लोग बड़े छोटी जीप में थी तो सब आस पास ही बैठे थे, तो वही गोली दूसरे को भी लगी है, ऐसा हमारा विचार है। जिस यही हमारा विचार था कि संभवतः एक गोली ने दो लोगों को घायल किया है। एक्चुअली एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या एक छोटे सेंटर में बैठे हुए या वो व्यक्ति ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो सब इन संभावनाओं को समझ नहीं पाते। मैं भी शायद उनकी जगह होता, एक रूरल एरिया पोस्टेड होता, तो इस तरह के बैलिस्टिक के केसेस बहुत कम आते। लेकिन मैं क्योंकि एम्स में रहा तो वहाँ काफ़ी केसेज आते थे, और मैंने इस तरह से एक बुलेट से दो आदमियों को पड़ते हुए बहुत बार देखा था। इवन जो छात्रों का आंदोलन हुआ रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, उसमें मारे गए एक बच्चे के गोली जो है दो बच्चों को एक गोली पेनिट्रेट करती हुई निकली थी, और उसने हर व्यक्ति दोनों में एक लड़के में जो है दो वुंड आर्म्स में किए, अपर आर्म जो होती है, फिर वो गोली एंटर हुई चेस्ट में, चेस्ट से निकली फिर दूसरी आर्म में गई, उस आर्म के पार आर पार होकर के तीसरा लड़का जो खड़ा था उसके अंदर जाकर
लगे। तो ऐसे कई केस मेरे देखे हुए थे कि जहाँ एक बुलेट से मोर देन वन एंट्री एग्जिट्स होती है और कई बार दो लोगों को लग भी जाती है। तो ये संभावना, क्योंकि आप देख लेते हैं, एक्सपीरियंस आपका इन चीज़ों को देखने से बढ़ता है। तो मैंने ऐसे कई केसेस किए थे, कई केसेस मेरे पास रेफर भी हुए थे बाहर से। तो मुझे इसमें आश्चर्यचकित नहीं था, और वैसे ही आश्चर्यचकित शायद बैलिस्टिक एक्सपर्ट भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास भी हर केस की बुलेट्स आती हैं, एग्जामिन करते हैं, ओपिनियन देते हैं। तो उन्होंने जरूर देखे होंगे, बताया उन्होंने, मैंने काफ़ी केसे ऐसे देखे। तो एक्सपीरियंस से यही फायदा होता है सबसे बड़ा, और उसके अलावा एक इमेजिनेशन। आप उस चीज़ को ढूंढते भी तभी है जब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर इमेजिन ही नहीं कर सकते, आपकी थॉट ब्लॉक है, तो आप उस चीज़ की कल्पना भी नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे भी नहीं। और वही गलत निर्णय आप पे आप एडमेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने उतने ही देखा है, उतने ही जाना है, उतने ही आपको एक्सपीरियंस है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है कभी कभी। खैर, हमने फिर अपनी ओपिनियन सब चीज़ एग्जाम करने के बाद में जयपुर में बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और दूसरे एक्सपर्ट्स, क्योंकि उसमें काफ़ी ब्लड के निशान वगैरह मिले थे, और उन दिनों में गाड़ी के ऊपर एक थिक कपड़े का, जैसे तिरपाल कहते हैं, उसकी वो कवर बनी होती थी। तो उस कवर में भी बुलेट के निशान थे, जो गई दो बुलेट, तो वो दो ही निशान हमको मिले वहाँ पे। और वो निशान जहाँ जहाँ वो लोग बैठे थे वहाँ से कोरिलेट भी कर रहे थे। तो इस तरह से हमें कोई कल्पना करने में दिक्कत नहीं हुई कि ये बुलेट तो दो चली है, लेकिन ये तीन आदमी मारे गए, क्योंकि आगे पीछे बैठे थे, एक आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था। तो एक के सिर से गर्दन से निकली, दूसरी के गर्दन पे जाके चले गई। तो वो संभव था, लेकिन उन डॉक्टर्स ने जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम कर रहे थे, उनके लिए ये सोचना बहुत मुश्किल काम था। खैर, हमने भी संभावना वो बिल्कुल अड़ करके कि हमने तो जो ओपिनियन दिया है उसी पर रहेंगे, आपने जो अपना ओपिनियन दे दिया एडमिटली दे दीजिए, कोर्ट में भी हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहिए, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। तो आप लोगों ने एक ओपिनियन बना के दिया, संभावनाएं व्यक्त किए, और यह भी उसने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा, क्योंकि डॉक्टर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको री एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सहयोग के बिना खास करके एक्सपेरिमेंटेशन जो हमने किया था वो संभव नहीं है। लेकिन जो किया गया उसकी फाइंडिंग ये है, जो फाइंडिंग वहाँ प्रोड्यूस किए वुंड से मैच नहीं करती थी। खैर, हमने अपना काम यही ख़त्म नहीं किया था। जब हम सीन क्राइम देखने गए थे, तो हम वहाँ से जो CRPF की पोस्ट थी, तब तक वो पोस्ट थी क्योंकि तुरंत ही मेरे पास केस आ गया था, जल्दी आ गया था, तो हम वहाँ गए। हमने जाके उस दिन जो लोग राइफ़ल के साथ में वहाँ से निकले थे, तो जब भी राइफ़ल इशू होती है तो उसमें उनके रजिस्टर में एंट्री होती है और ले आने वाले के सिग्नेचर होते हैं। तो हमने देखा वहाँ पे सजा के राइफ़लें रखी हुई थी, रजिस्टर भी था, सब था, और वो सब उनकी एंट्री थी कि वो राइफ़ल लेके गए। अब सवाल बैनर्स का था, तो बैनर्स जो है वहाँ पे किसी भी राइफ़ल पे लगे हुए नहीं थे। हमने कहा बैनेट कहा है, तो बैनेट उन्होंने दिखाया कि अलग से यहाँ रखे हुए, और ये मेरे आश्चर्य की बात थी। उन्होंने कहा साहब, आप कभी भी अगर कहीं भी गार्ड करते हुए, ड्यूटी करते हुए CRPF या पुलिस के जवान पे देखते हो, क्या उसके ऊपर वो लगी होती है बैनेट? मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी को ड्यूटी करते हुए जो उसके साथ में उसके ऊपर बैनेट लगे हुए तो नहीं देखी। बैनेट एक लंबा सा चाकू होता है, 1 फुट से भी ज़्यादा। तो बोले आपने कहाँ देखी है? तो मुझे एकदम याद आया, मैंने कि 26 जनवरी मैंने परेड में देखी है। तो बोले यही बात है, बैनेट कभी भी इनको इशू नहीं की जाती। आजकल कोई पुराने ज़माने में था जब बैनेट का बहुत उपयोग होता था, तो वार में जाते थे तो बैनेट दी जाती थी, लड़ाई पे जाते थे तो, और अब भी लड़ाई पे ही जाते हैं तो बैनेट दी जाती है, या कोई सेरेमोनियल फंक्शन हो तो सेरेमोनियल फंक्शन में बैनेट का यूज होता है।
और बैनेट कभी भी उसके साथ लगा के नहीं रखी जाती, ये अलग से रखी जाती है। वेपन पे तभी लगाई जाती है जब वेपन चेंज करके और परमानेंटली रखा जाता है कुछ समय के लिए कि इसको नहीं खोला जाएगा, लेकिन जब इशू करने का टाइप आएगा तो बैनेट को अलग कर दिया जाएगा। सेरेमोनियली वो खड़ा है खाली बाहर, ड्यूटी पे है सेरेमोनियली, वो आदमी फायर नहीं करता, उसका सेपरेशन होता है लेकिन वो फायर नहीं कर सकता। तो सेरेमोनियल व्यक्ति को बैनेट दी जाती है और जब इशू होता है, रजिस्टर दिखाया है उन्होंने, तो उसमें लिखा जाता है मैं बैनेट। और अगर बिना बैनेट की दी गई है तो उसमें कोई एंट्री नहीं होती, उसमें खाली इसी की एंट्री होती है कि राइफल दी थी। सारा रिकॉर्ड उन्होंने दिखाया हमें कि साहब ये देख लीजिएगा, ये हमारी व्यवस्था है। और इसलिए इनके पास में बैनेट था ही नहीं, उनके नाम की इशू करने के हमने दिखाया, कहा उनको कि दिखाओ, तो उसमें दिखाया तो उन्होंने मैं बैनेट नहीं लिखा हुआ था। और बाकी जो एंट्री सेरेमोनियल जो दो सिपाही वहाँ खड़े रहते थे बाहर, उनके एंट्री पे सब जगह लिखा रहता था मैं बैनेट। तो बोले साहब अगर मैं बैनेट नहीं लिखा है तो इसका मतलब खाली राइफल इशू की गई है और सिग्नेचर भी उसने खाली राइफल पे किए होते हैं। जब मैं बैनेट हो गई तो हम उसमें लिखेंगे राइफल मैं बैनेट, राइफल बैनेट के साथ में। और ये लोग तो बाहर से गए हैं तो गार्ड पे थे तो उनके पास बैनेट होने का सवाल ही नहीं उठता है। और उन्होंने सारी बैनेट सबको दिखाई है। हमने कहा कि इस पर अब जरा एग्जामिन करते हैं, तीन चार लोग थे हमने एग्जामिन किया, किसी पे कोई हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिली कि हम उसको एग्जामिनेशन करवाने के लिए जाएं, क्योंकि अगर होती तो उस पर कहीं ना कहीं ब्लड से या कुछ अगर पानी से धोते भी तो कुछ ना कुछ तो रह जाती है। तो इस तरह से पता चला कि उन लोगों के पास बैनेट थी ही नहीं। तो ये सब बातें हमने मेंशन कर दी, बता दी, लेकिन हमने समझ ली, बताने का क्या मतलब, हमने समझ ली ये सब बातें, लेकिन हम ऐसा कुछ उनको नहीं समझा सके क्योंकि वो तब तक जा भी चुके थे और वो अपने ओपिनियन में काफ़ी एडमिट थे कि हमने तो वही ओपिनियन देना है। ऐसा उनको जयपुर से भी कंफर्म किया गया था, तो इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पड़ी। खैर, हमने अपनी रिपोर्ट बना करके और उसमें स्पष्ट रूप से ये सब बातों को लिखा कि भाई वहाँ पे डॉक्टरों ने हमें सहयोग नहीं किया, उसको उनके बिना नहीं किया जा सकता क्योंकि वूड का डिस्क्रिप्शन जो किया हुआ है वो फायर ऑफ वूड से बिल्कुल अलग है, लेकिन हम इसके होने की, फायर ऑफ वूड होने की को होने को रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि वूड ट्रैक एकदम ऐसी है कि वह बुलेट से भी पॉसिबल है और वूड का डिस्क्रिप्शन भी ऐसा है जो फायरआर्म इंजरी में पॉसिबल है। ये वूंड ट्रैक है, हमने विशेष रूप से वूंड ट्रैक के ऊपर दिया। और क्योंकि कोबैरेटेकिंग कोई एविडेंस कहीं नहीं मिल रही है आपको, तो इसलिए संभावना को आप नहीं निकाल सकते। मैं इतने लिखा कि संभावनाओं को आप नहीं लगा सकते। द कोर्ट में डिसाइड, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स में डिसाइड आफ्टर टेकिंग द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, लेकिन जो फायरआर्म वूंड है वो कभी कभी कट वुड के, इनसाइज वुड की तरह दिख सकता है। और ये सारी लिटरेचर में, सारी किताबों में लिखा हुआ है। तो हमने सारी लिटरेचर वगैरह सब लगा करके कि भाई जो कट वुड है, इनसाइज वुड है, वो बुलेट से बुलेट वुंड भी कभी कभी वैसा दिख सकता है। और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसी गाड़ी में से जो ये दो बुलेट उन्होंने फायर की थी, उनकी जैकेट्स एक्चुअली उनके ऊपर नीचे लेड होता है और लेड के ऊपर कॉपर की जैकेट बनाई होती है जिससे कि उसकी पियर्सिंग पावर बढ़ रहा हो, क्योंकि लेड अक्सर जब आता है वेपन से बाहर तो गर्म हो जाता है और जहाँ लगता है वहाँ पे वो टुकड़े टुकड़े भी हो जाता है। तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ाने के लिए कॉपर और निकल के उसके ऊपर एक कैप चढ़ा दी जाती है। तो कैप वहाँ पे दोनों ऐसी कैसी मिली थी, वेयर के रेमिनेंट्स ऑफ फायर अब जो उन्होंने एमिनेशन किया था वो दो बुलेट का वहाँ पे मिला था, और जिसको बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने
वेरीफाई भी किया था। अब ये सब होने के बाद में हम पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते थे, और फिर वो पुलिस वाले भी कह रहे हैं दो जो एंट्री टीयर्स है, वो जो कवर था जीप के चारों तरफ कवर लगाते थे उन दोनों में, इसका थिक कॉटन का क्या बोलते हैं उसको, तो वो कवर था तो उसके ऊपर भी वो थे। फिर ब्लड की स्टेन्स वगैरह सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने ये अपना कंसिडर्ड ओपिनियन दिया था कि भी उसको रूल आउट नहीं कर सकते, है ना, उसकी संभावना हो सकती है। लेकिन अब वो क्योंकि इस तरह से डिस्क्राइब किए हुए हैं और वो उस बात को हमारे साथ डिस्कस करने को तैयार नहीं है, कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, अपनी चीज़ को रिवाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम कन्फर्म में कुछ नहीं कह सकते। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या कोर्ट्स हैं वो अपना ओपिनियन बनाए, उसका मतलब ये होता है कि अपना ओपिनियन बनाए सारी सरकमस्टेंसेस हर चीज़ को कंसिडर करते हुए कि यह संभावना जो हम बता रहे हैं वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये आप डिसाइड करो। इसमें मेरी कोर्ट एविडेंस भी हुई, जयपुर में यह केस चला है सेशंस कोर्ट में, और काफ़ी अच्छा क्रॉस भी हुआ, जयपुर के अच्छे वकील उन्होंने बुला रखे थे, और मैं अपनी एविडेंस दे करके वहाँ से आ गया। हाँ, मैंने ये ट्रेस नहीं किया कि उनको पुलिस वालों को पनिशमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहुत समय बाद मुझे किसी ने बताया कि पुलिस वालों को पनिशमेंट उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि संभावनाएं जो आप लोगों ने व्यक्त की थी कि बुलेट की भी हो सकती हैं, उसको रूल आउट नहीं कर सकते बूम ट्रैक्स को देखते हुए, डायरेक्शन देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, तो लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है, देखा तो उसने ही है, हमने तो वुंड को देखा नहीं, नए उस वुंड्स के फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं या कुछ और अवेलेबल है, तो इसलिए उस पर कमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये केस हुआ, और बाद में हम अपनी एविडेंस दे करके दो दिन में हमें हराना पड़ा जयपुर में ही, और वापिस आ गए, और इस तरह से ये केस कंक्लूड हुआ। धन्यवाद।